दोस्तों आप लोगों का सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज फिर एक बार हाईवे की वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो आपको पता ही है कि हरिद्वार तक थी। आज जो मेरी वीडियो है वो है हरिद्वार से ऋषिकेश। आज मैं दिखाऊंगा कि कितने फ्लाईओवर हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में, और एक जो फ्लाईओवर है जिसका हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे वो फ्लाईओवर भी बन गया है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, और ये वीडियो आप पूरी देखना और शेयर करना मत भूलना। जितना प्यार आपने मुझे पहली वाली वीडियो में दिया है, इतना ही प्यार इस वाली वीडियो में जरूर देना। चले चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी जो ये फ्लाईओवर हमारे सामने आ रहा है, इस फ्लाईओवर पर जो है अभी काम चल रहा है, और अभी जो है एक महीने में ये कंप्लीट भी हो जाएगा, उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। मेरा अनुमान जो है एक महीने तक का है कि एक महीने में जो है कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी यहाँ पर सड़क भी ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो भी हिल रही है। और ये फ्लाईओवर बिल्कुल बस तैयार हो गया, माल डलना रह रहा है। यहाँ से जो है लेफ़्ट हैंड साइड हम जाएंगे तो हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी जा सकते हैं, और राइट हैंड साइड में हम बिल्कुल सीधे जाएंगे ऋषिकेश की साइड। इस फ्लाईओवर पर जो है काफ़ी दिनों से ही काम चल रहा है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, वो भी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मोतीचूर फ्लाईओवर है। अब हम इस फ्लाईओवर पर पहुँच चुके हैं। ये 2.5 किलोमीटर का कम से कम फ्लाईओवर है, अभी जो है बनकर तैयार हुआ है। काफ़ी समय लगा इसको बनने में भी, और यहाँ से जो है काफ़ी बहुत जाम देखने को मिलता था। और जो ये फ्लाईओवर है वो बहुत ही सुंदर फ्लाईओवर बनाया गया है। और आज का मौसम देखिए आप, क्या व्यू है। और इस फ्लाईओवर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम पहाड़ों में चल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर बनाया है, 2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि फ्लाईओवर को किस तरह से बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा सुंदर फ्लाईओवर बनाया गया है। उत्तराखंड का जो है ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है अभी तक का, और काफ़ी अच्छी सुंदर सड़क बना रखी है। यहाँ पर जो है काफ़ी जाम रहता था, दो दो घंटे, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच घंटे का समय लग जाता था यहाँ पर। अब ये फ्लाईओवर जो है बन गया है, तो जाम से हमें बिल्कुल समस्या नहीं होगी। अब आराम से जो है हम अब जा सकते हैं फ्लाईओवर से, क्योंकि पहले जो है ट्रेन की वजह से यहाँ पर जो है जाम लगता था, और काफ़ी घंटों घंटों तक यहाँ पर जाम रहता था। और ये आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है मोतीचूर फ्लाईओवर का। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है आज गाड़ी चलाकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं आज कहीं पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों में चला रहा हूँ गाड़ी, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो बहुत ही मज़ा आ गया इस फ्लाईओवर को देखकर। और काफ़ी पुराने टाइम से इस फ्लाईओवर की घोषणा हो रखी थी, और बनने में भी 2.5-3 साल लगे हैं इस फ्लाईओवर को। और अब हम जो है फ्लाईओवर से नीचे की साइड उतर चुके हैं, और जिस तरह से ये सड़क बनी हुई है, काफ़ी लाजवाब सड़क है। आप देख सकते हो कितना मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए भी। दोस्तों ये देखिए, जंगल का एरिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हल्का मौसम जो है बारिश का भी हो रहा है, बादल जो है वो में भी अंधेरा छाया हुआ है। और ये देखिए क्या मौसम है, मेरे को तो आज मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाकर। और बहुत ही अच्छा रोड लग रहा है बिल्कुल। अब बिल्कुल भी हम जो है जाम नहीं लगेगा इस रोड पर, काफ़ी जाम रहता था। अब जो है हम रायवाला भी पहुँच चुके हैं। रायवाला में जो है ये अभी यहाँ पर काम चल रहा है, जो कि ये रास्ता है अभी जो लेफ्ट हैंड से जाएगा, ये सीधा देहरादून जाएगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है इस रोड पर। तो हम इधर से राइट हैंड से जाएंगे ऋषिकेश की साइड। और काफ़ी अच्छा रोड बना रखा है, यहाँ पर थोड़ा अभी काम चल रहा है, तो जल्दी ही ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। इतना समय नहीं लगेगा इस पर भी, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये। तो दोस्तों जो रोड हैं वो अब काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, आप देख सकते हो। अब जो हम फ्लाईओवर पर पहुंचने वाले हैं, जल्दी ही आपको दिख, अब हमारा जो फ्लाईओवर होगा वो नेपाली फ्लाईओवर होगा। नेपाली जो फ्लाईओवर है वो भी काफ़ी सुंदर फ्लाईओवर बना दिया है। अभी हम पहुंचने वाले हैं उस फ्लाईओवर के पास भी।
वो फ्लाईओवर भी आप देखकर ये कहोगे कि ये तो बहुत जल्दी काम हो गया। ये देखिए देहरादून और ऋषिकेश भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों देहरादून ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, ये देखिए बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है। मेरे जो शीशे पे है वो बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए नेपाली जो फ्लाईओवर है वो आप देख सकते हो। इस जो फ्लाईओवर की जो मान्यताएं हैं वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है ये भी। यहाँ से जो है तो नीचे देहरादून की साइड हम जा सकते हैं, इधर आप देख सकते हो, और हम जाएंगे सीधे ऋषिकेश की साइड। तो नीचे की साइड आप जाओगे तो इधर देहरादून जा सकते हो, और हम जा रहे हैं अब सीधे ऋषिकेश। बूंदे आने लगी है बारिशों की, तो मौसम आज जो है काफ़ी ख़राब तो नहीं कह सकते, और बढ़िया मौसम हो रहा है आज, मज़ा आ रहा है मेरे को तो पूरा। ये देखिए आप, अभी इस पुल पर काम चल रहा है, आप देख सकते हो इस वीडियो में। अभी और भी काम बाकी है इस फ्लाईओवर पर, बहुत ही सुंदर जो है ये फ्लाईओवर बनाया गया है। और बारिश हल्की हल्की होने लगी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे, इस पर भी अभी जो है काम चल रहा है, हम जो है सीधे की साइड जाएंगे। तो ये देखिए आप, अभी भी रोड पर काम चल रहा है, अब हम सीधे जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, गंगोत्री यमुनोत्री और ऋषिकेश शहर। तो अगर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में से आगे से जो है गंगोत्री यमुनोत्री आप जा सकते हो। इस हाईवे से हम जाएंगे ऋषिकेश शहर में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप यमुनोत्री गंगोत्री जा सकते हो। ये शहर के अंदर का रास्ता है ऋषिकेश का। तो हम जो है आज ऋषिकेश जा रहे हैं, आपको पूरा हाईवे दिखा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश तक का। तो ये हम जो हैं पहुंच गए हैं ऋषिकेश में, DLF जो पुरानी यहाँ पर जो है कंपनी थी वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, DLF के पास। बिल्कुल हम सीधे जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जो है हम ऋषिकेश के पास जो है पहुंच जाएंगे, बिल्कुल शहर में अंदर। अभी जो है यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पर जो है अभी आगे की साइड जो है राम झूला लक्ष्मण झूला भी पड़ेगा इसी रोड पर। ये देखिए यहाँ से हम जो है अब जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखिए श्रीनगर ऋषिकेश लक्ष्मण झूला। तो यहाँ पर से थोड़ी ही दूर पड़ते हैं लक्ष्मण झूला और राम झूला। तो अब जो ये रास्ता है, ये रास्ता एम्स हॉस्पिटल में भी जाता है यहाँ से। ये देखिए राइट हैंड साइड में एम्स हॉस्पिटल की साइड आप जा सकते हो यहाँ से। अभी हमें सीधा जाना है क्योंकि हम अब ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं बाज़ार में अंदर। और ये देखिए पुरानी पुरानी जो है बिल्डिंग है ऋषिकेश की, और हम पूरे ऋषिकेश के शहर में पहुँच चुके हैं। सामने देख सकते हो आप, गुरुद्वारा भी दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।